इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों #WeSupportIndia। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। इस समय की एक बेहद बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, महिला आरक्षण बिल पहले लोकसभा में पास हुआ और अब खबर आ रही है कि यह बिल राज्यसभा से भी भारी बहुमत के साथ में पास हो गया है। जी हां दोस्तों, लगभग सभी सांसदों ने इस बिल के समर्थन में अपना वोट किया है, यानी कि अब ये बिल यहां पर पास हो गया है राज्यसभा से भी। और वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि संसद के दोनों सदन आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकते है। आपको बता दें कि संसद का विशेष सत्र 5 दिनों के लिए बुलाया गया था, यानी 22 सितंबर तक यह सत्र चलना था, लेकिन सूत्रों की माने तो सत्र को तय प्लान से 1 दिन पहले ही खत्म किया जा रहा है लगभग। और वहीं आप लोगों को यहां पर बताते चलें, आज राज्यसभा के अंदर जबरदस्त यहां पर महिला आरक्षण बिल पर गहमा गहमी देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने यहां पर मांग की है कि इस बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाए, लेकिन उन्होंने यहां पर आरोप भी लगाया है कि मोदी सरकार लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है, ये बिल फिलहाल के लिए अभी लागू नहीं होगा। एक सांसद ने तो यहां तक कह दिया है कि ये मैं पहला बिल ऐसा देख रहा हूं जिसका कुछ भी पता नहीं है कि आखिर ये कब लागू किया जाएगा। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, पूर्व राज्यपाल की तरफ से आया है बेहद ही बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से मोदी सरकार पर सादा निशाना, कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जानी चाहिए जांच। खबर बताते चले क्या है पूरा मामला। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करने की मांग की है। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार अपनी गलतियों को स्वीकार करने में विफल रही है, जिसके कारण कश्मीर में 40 जवानों की मौत हुई थी। पूर्व राज्यपाल ने आगे कहा है कि मैं पुलवामा हमले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट जांच कर ले तो सारी सच्चाई खुद ब खुद सामने निकल के आ जाएगी। ये हमला पीएम मोदी की सरकार की नाकामी का ही नतीजा रहा, यह यहां पर दावा किया है पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने। इसके साथ ही सत्यपाल मलिक ने आगे कहा है कि पीएम मोदी को किसी की भी परवाह नहीं है, चुनाव जीतना ही पीएम मोदी की प्राथमिकता है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। क्या आप लोग पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की इस मांग का समर्थन करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए? आप लोग इस मांग का समर्थन करते हैं या नहीं, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, संसद के विशेष सत्र के बीच से एक ऐसी तस्वीर सामने निकल के आई है कि मोदी सरकार में हड़कंप सा मच सकता है। जी हां दोस्तों, खबर आप लोगों को बताते चलें, शरद पवार से मिले हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, कई तरह की अटकलें लगा रहे हैं लोग। जी हां दोस्तों, आप लोगों को खबर बताते चलें, यहां पर संसद पहुंचे शरद पवार के साथ में कई दूसरे सांसदों ने यहां पर फोटो खिंचाई है, लेकिन एक ऐसी तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, यहां पर एनसीपी के नेता शरद पवार आज जब संसद भवन पहुंचे और उनके साथ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी दिखाई दिए। शरद पवार का हाथ जोड़ करके नितिन गडकरी ने अभिवादन किया है और अब ये यहां पर तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हैं। आप लोगों को बताते चले, हाल ही में यहां पर कई ऐसी खबरें और रिपोर्टें भी सामने निकल के आई कि जिनमें दावा किया जा रहा था कि पीएम मोदी और नितिन गडकरी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, यहां पर हाल ही में नितिन गडकरी ने एक बयान दिया था जिसमें नितिन गडकरी ने कहा था कि घोड़ों को नहीं है घास, गधे खा रहे च्यवनप्राश, जिसके बाद यहां पर कई तरह की अटकलें लगाई गईं। दोस्तों ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, मोदी के उद्योगपति मित्र करोड़ों कमा रहे किसान, प्रतिदिन 27 रुपए कमा रहे पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी ने साधा है जमकर के निशाना।
छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले के जयंती स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय महिला समृद्धि सम्मेलन में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर पीएम मोदी की सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के उद्योगपति मित्र हजारों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन देश का किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमाता है। रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी अपने मित्रों का हजारों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ कर देते हैं, लेकिन किसानों का कर्जा माफ करने का जब नाम आता है या नंबर आता है तो कह देते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से भड़की हैं प्रियंका गांधी तमाम मुद्दों को लेकर के, और कहा है कि देश में बेरोजगारी और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन भाजपा वाले इन मुद्दों पर बात करने को ही तैयार नहीं है, इसलिए जनता को अब भाजपाइयों से सतर्क रहना चाहिए। ये यहाँ पर खबर आई है दोस्तों। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मोदी सरकार ने आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर महिलाओं के साथ किया है मजाक, लागू करने में लगेंगे कई साल। अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा बयान आया है। महिला आरक्षण बिल को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर है और एक तरह से समर्थन भी कर रहा है, लेकिन इसे यहां पर विपक्ष तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग कर रहा है। और वहीं विपक्ष का कहना है कि इसके लागू होने में अभी कई साल लगेंगे। इसको लेकर के विपक्ष हमलावर है मोदी सरकार पर। बताते चले आप लोगों को, इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए पर महिला आरक्षण विधेयक के रूप में घोर झूठ के साथ नए संसद भवन का कामकाज शुरू करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जब सभी को पता था कि इस विधेयक को लागू करने में कई साल लगेंगे, तो फिर बीजेपी सरकार को इस मुद्दे को आगे बढ़ा करके भारत की महिलाओं के सामने झूठ बोलने की आखिर क्या जरूरत पड़ी। बीजेपी सरकार ना तो जनगणना और ना ही जातीय जनगणना के पक्ष में है, इसके बिना विधेयक लागू नहीं किया जा सकता। ये यहां पर देख सकते हैं कि अखिलेश यादव जबरदस्त तरीके से भड़के हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इरादे साफ हैं तो विधेयक के प्रावधानों को जल्द लागू किया जाना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ऐसा कर नहीं रही है। ये यहाँ पर अखिलेश यादव जबरदस्त तरीके से भड़के हैं भाजपा की केंद्र की मोदी सरकार पर। ये यहाँ पर इस समय की आज की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुँचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।